केदारनाथ हेलीकॉप्टर यात्रा उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा शुरू हो गई है। लाखों की तादाद में भक्त यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर इसी बीच भक्तों की अधिक संख्या होने के कारण व्यवस्था भी बिगड़ने लगी है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें व्यवस्था को चरमराते हुए साफ देखा जा सकता है और लोगों को दर्शन करने के लिए खासा मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग बाबा केदार का लंबा ट्रैक पैदल पूरा कर रहे हैं, कुड़ घोड़े खच्चर से यात्रा कर रहे हैं, तो केदार बाबा के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपको केदारनाथ या बद्रीनाथ किसी धाम पर हेलीकॉप्टर के जरिए जाना होगा तो कितना किराया लगेगा? नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल फाटा से केदारनाथ के लिए 6072 रुपए राउंड ट्रिप का चार्ज है। सिरसी से केदारनाथ के लिए 6072 रुपए राउंड ट्रिप का चार्ज है। वहीं गुप्तकाशी से केदारनाथ 8426 रुपए चार्ज है। इसके अलावा आपको टैक्स अलग से देना होगा। वहीं गौचर से बद्रीनाथ के लिए 3970 शुल्क लगेगा, मगर भक्तों की अधिक भीड़ होने के कारण कुछ यात्रियों को हेलीकॉप्टर के टिकट मिले हैं। लेकिन अधिकांश श्रद्धालुओं का कहना है कि IRCTC की वेबसाइट पर जब हेलीकॉप्टर की बुकिंग शुरू हुई थी उस दौरान टिकट बहुत जल्द खत्म हो चुके थे, जिस कारण उन्हें हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिल पाई थी। केदारनाथ समेत बद्रीनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के लिए टिकट ब्लैक हो रहे थे, इसको लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार में मौजूद ट्रेवल एजेंट से जब ABP न्यूज की टीम ने बात की तो उन्होंने नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर के टिकट मौजूद नहीं है। अगर किसी यात्री को टिकट चाहिए तो करीब 13,000 से 18,000 के बीच एक व्यक्ति का चार्ज लगेगा। उन्होंने बताया कि टिकट की डिमांड और लंबी छुट्टी पर ये रेट अधिक होकर 30,000 से ज्यादा भी पहुंच जाते हैं। हालांकि इसके लिए यात्री को पहले करीब 40% तक पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, उसके बाद ही टिकट बुक करने का प्रोसेस शुरू होगा। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के लिए सरकार ने 9 कंपनियों को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए अनुमति दिए है, जिसमें ट्रांस भारत एविएशन, आर्यन एविएशन, पवन हंस, थंबी एविएशन, ग्लोबल, बैक्टरा हेलीकॉप्टर, ट्रांस भारत एविएशन, एरो एयरक्राफ्ट, हिमालयन हेली सर्विसेज, कैस्ट्रेल एविएशन, सरसे हेलीपैड कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां 3 जगहों से उड़ान भरेंगी, जिसमें फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी हेलीपैड शामिल हैं। ऋषिकुल मैदान में चार धाम यात्रियों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 मई से सुबह 7 बजे आरम्भ हो गई। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सुबह से ही काफी संख्या में श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे, लेकिन दोपहर 2 बजे चार धाम के लिए मई के सभी ऑफलाइन स्टॉक बुक हो गए, जिसके चलते मई में चारधाम यात्रा जाने वाले यात्रियों को स्लॉट नहीं मिल सके। मई तक ऑफलाइन स्लॉट बुक होने के कारण चारधाम जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। अगर आप भी जाने की सोच रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ RN News के साथ।